Hey guys, good morning. So we are going to start now with our next DPP, structure of atom. दो DPPs कर चुके हैं हम लोग मोल कॉन्सेप्ट की. सो इसमें भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी मैं आपके साथ टू सेट ऑफ क्वेश्चंस करूंगी, डीपीपी वन एंड डीपीपी टू, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस फॉर योर अपकमिंग नीट एग्जाम्स एंड फॉर योर ITJE एग्जाम्स. सो लेट्स स्टार्ट ओवर हियर. वी वुड लाइक टू टेक आवर पीपीटी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. Just give me one second over here. So, structure of atom DPP number one. Okay guys, so these are neat questions, structure of atom, which we are going to start over here. And this is some questions, और उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको क्वांटम नंबर्स के बारे में भी बता देती हूँ. तो देखते हैं हम क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं. सबसे पहले आपके पास क्या आ गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ओके, सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हुआ, इट इज एन. इट वॉज गिवन गिवन बाय बोहर. इट इज द मेन ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मेन शेल इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट. फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑर्बिट ले रहे हो के एल एम एन एन ओ, सो एन इज इक्वल टू वन ओवर हियर, एल इज इक्वल टू, एन इज इक्वल टू फॉर एल, एन इज इक्वल टू थ्री फॉर एम, एन इज इक्वल टू फोर फॉर एन, एंड एन इज इक्वल टू फाइव फॉर ओ. सो इस तरह से आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स लेते हो. सेकेंड हमारे पास आता है एजोमिथल क्वांटम नंबर. सो इसपे आपके पास सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी हम इसको बुलाते हैं, शेल जिसपे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. और यू कैन ऑल्सो से दैट इट इज द सब शेल इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट. यू नो हाउ टू कैलक्यूलेट. देन वी हैव द एंगुलर मोमेंटम, इट गिव्स अस द एंगुलर मोमेंटम ऑल्सो. स्पिन क्वांटम नंबर, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, इट गिव्स अस द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एम इज इक्वल टू माइनस एल, जीरो प्लस एल, इट गिव्स अस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विच आर प्रेजेंट, राइट. सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स देगा ये. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एस जो है दैट इज इक्वल टू वन, तो एल की वैल्यू क्या आ गई, जीरो. एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो. और कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, वन ऑर्बिटल. सो वन के पास, एस के पास कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, वन एस. ठीक, अगर आप पी ले रहे हो, पी के लिए एल की वैल्यू आ जाती है वन. सो यहाँ पे आपने एस की वैल्यू क्या ले ली थी, वन, तो एल की वैल्यू आ गई जीरो. पी के लिए एल की वैल्यू आ गई वन, एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वन, जीरो प्लस वन. सो हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर गोइंग टू बी प्रेजेंट, थ्री ऑर्बिटल्स. अगर आप डी ले रहे हो, एल इज इक्वल टू, एम इज इक्वल टू माइनस टू, माइनस वन, जीरो, प्लस वन, प्लस टू. और कितने ऑर्बिटल्स इस पे आपको दिख रहे हैं, वन टू थ्री फोर एंड फाइव ऑर्बिटल्स आर गोइंग टू बी प्रेजेंट. सो ये आपके क्वांटम नंबर्स होते हैं. F के लिए L की वैल्यू होती है थ्री. सो M की वैल्यू क्या हो गई, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, प्लस वन, प्लस टू. और कितने ऑर्बिटल्स है, लेट्स काउंट, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स. देर आर सिक्स ऑफ सेवन ऑर्बिटल्स विच आर गोइंग टू बी प्रेजेंट ओवर हियर. यहाँ पे हमने एक मिस कर दिया है, प्लस थ्री. सो इस तरह से आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो है उसको फाइंड कर सकते हैं. सो वॉट हैव बी डन ओवर हियर, लेट्स डू सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले ऑल्सो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के. स्टार्टिंग विद लेमडा, लेमडा दैट इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू. फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है क्वांटम मैकेनिक्स में वॉट इज गोइंग टू बी ई. ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू. सो दिस इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा. ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंगली द वैल्यू ऑफ एनर्जी व्हिच इज इक्वल टू व्हाट, एच सी अपॉन लेमडा. आपके पास एनर्जी आ गई, तो एनर्जी अगर आपको फाइंड करनी है, यू कैन ऑल्सो फाइंड इट एज एच न्यू. द वैल्यू ऑफ एच इज गोइंग टू बी 6.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34. ठीक है, फिर आप कैलकुलेट कर सकते हो द वैल्यू ऑफ लेमडा फ्रॉम ट्रांजिशंस. सो वन अपॉन लेमडा दैट इज इक्वल टू वेव नंबर, सॉरी, दैट इज इक्वल टू वेव नंबर व्हिच इज इक्वल टू
R into 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square, जहां पे R जो है दैट इज द रिटबिक कांस्टेंट. R क्या हो गया? रिटबिक कांस्टेंट. क्या वैल्यू है इसकी? 109677, दैट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ द रिटबिक कांस्टेंट. ठीक है. सो ये कुछ फॉर्मूला, आई एम श्योर आपको सारे फॉर्मूला स्ट्रक्चर ऑफ एटम के आते हैं. सो आई एम गोइंग टू माय क्वेश्चन नंबर 1. अ 600 वॉट मर्कुरी लैंप इमिट्स मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 331.3 नैनोमीटर्स. हाउ मेनी फोटोन्स आर इमिटेड फ्रॉम द लैंप पर सेकेंड? दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन जो कि आपको नीट में आ सकता है. तो यहाँ पे ई की वैल्यू आपने लेनी है एच सी अपॉन लेमडा. कैलकुलेट करते हैं पहले ई की वैल्यू. सो एच की वैल्यू आ गई 6.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8, राइट? और लेमडा आपको कितना दिया है? 331.3 नैनोमीटर्स. कैलकुलेट कर उसको कन्वर्ट करो मीटर्स में. सो इट इज 331.3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 9, विच इज इक्वल टू 0.597 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 17. सो ये आपके पास एनर्जी की वैल्यू आ गई. नंबर ऑफ फोटोन्स आप कैसे कैलकुलेट करते हो? नंबर ऑफ फोटोन्स इज इक्वल टू द वॉटेज विच इज गिवन, द एनर्जी गिवन अपॉन एनर्जी कैलकुलेटेड. एनर्जी गिवन टू अस इज 600 वॉट्स डिवाइडेड बाय द एनर्जी कैलकुलेटेड विच इज 0.597 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 17. सो इट इज गोइंग टू बी 1005 इंटू 10 रेज टू पावर 17. डेसिमल को हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं टू वर्ड्स लेफ्ट. तो यहाँ पे आप पावर्स को क्या करोगे? ऐड कर दोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 इंटू 10 रेज टू पावर 20. ओके. क्वेश्चन नंबर 2. द वेव नंबर विच कोरिस्पॉन्ड्स टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ 600 नैनोमीटर्स. बच्चे वेव नंबर की जो वैल्यू होती है, जो रिलेशन आपने यूज करना है, दैट इज 1 अपॉन लेमडा. सो हम ले रहे हैं 1 अपॉन 600 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7. माइनस 7 हमने क्यों लिया? बिकॉज आप देख रहे हो कि यहाँ पे सेंटीमीटर्स में आपको दे रखे हैं सारे वैल्यूज, तो आपने उसको सेंटीमीटर्स में ही कन्वर्ट करना है. ओके. सो 1 नैनोमीटर की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर माइनस 9 मीटर्स ऑफ कोर्स, बट 10 रेज टू पावर माइनस 7 सेंटीमीटर्स. ठीक. सो ये आपके पास आ गया 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर 4 सेंटीमीटर. This is going to be your answer. Next पे चलते हैं. Which one of the following is not the characteristic of Planck's quantum theory of radiation? So Planck's quantum theory of radiation क्या बोलता है? The energy emitted or absorbed is directly proportional to frequency or inversely proportional to lambda. So देखें, over here energy is not absorbed or emitted in whole number multiples of quantum. It is not a characteristic. ये आपके पास energy is not absorbed or emitted in whole number multiples of quantum. ये Planck's quantum theory नहीं बताता है. बाकी radiation is associated with energy, ये भी बता रहा है. Radiation energy is not emitted or absorbed continuously but in the form of small packets of quanta, ये भी बताता है Planck's quantum theory. This magnitude of energy associated with a quantum is proportional to frequency. So ये relationship हमने already ले लिया. Okay, so energy is not absorbed or emitted in whole number multiple of a quantum. This is not a characteristic of quantum theory. Next, which of the following among the visible colors has the minimum wavelength? Minimum wavelength, Vibgyor aa gaya aapke paas. 400 nanometers se hum start karte hain, 700 nanometers tak jaate hain. To sabse kam kiski hai? 400 nanometers, this is a least wavelength and this is the maximum wavelength. So yahan pe answer aapka kya aa jayega? D. Bohr's advanced the idea of, ye sare aapke previous year questions hain, okay? Stationary electrons, stationary nucleus, stationary orbits, elliptical orbits. So correct option आपके पास क्या आ जाएगा? Stationary orbits, right? This is going to be the correct answer. On Bohr stationary orbits, electrons do not move.
ऐसा होता है? इलेक्ट्रॉन्स तो मूव करते हैं ना कंटिन्यूअसली, तो ये तो गलत हो गया. इलेक्ट्रॉन्स मूव इमिटिंग रेडिएशंस, वो इमिट भी करते हैं रेडिएशंस. एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कॉन्स्टेंट, यस दिस इज ट्रू. नाउ एनर्जी वो तभी गेन करेगा अगर वो एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट पे जंप करता है. अगर वो सेम ऑर्बिट पे रहेगा तो वो ट्रैवल करता रहेगा विद अ कॉन्स्टेंट एनर्जी. ओके, एंड देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन एच अपॉन टू पाई होता है. अरे नहीं, नो 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 नो, एम वी आर दैट इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई. इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई दैट इज गोइंग टू बी द एंगुलर मोमेंटम अकॉर्डिंग टू बोहर, राइट? सो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम? अच्छा जी, चलो देखें बोहर्स मॉडल क्या बोल रहा है हमारे को. एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट इज क्वांटाइज्ड, यस ऑफ कोर्स बोहर टेल्स दैट. द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस हैज द लोएस्ट एनर्जी, यस बिकॉज एनर्जी जो है दैट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग एज द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस. और आपको पता है, इंटेलिजेंट हो आप, पढ़ा है आपने इन्फिनिटी दैट इज इक्वल टू जीरो, बाकी सबकी एनर्जीज किस में होती है? नेगेटिव में. इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन डिफरेंट ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि अगर हम लोग इस तरह से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, एटम ले रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा. द पोजिशन एंड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट कैन नॉट बी डिटर्मिन साइमल्टेनियसली. हिसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने बताया हुआ ये, बोहर का नहीं है. सो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगा? डी, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके गाइज, बिफोर आई फॉरगेट, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल t.me/SHAIELLE शैली कौशल. आई विल गिव द लिंक ऑफ दिस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप इसको जाके कर सकते हो, क्या सब्सक्राइब कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो. और दूसरा एक और लिंक आपको नीचे दे रखा है, दैट इज द लिंक टू माय ऐप ऑन द गूगल प्ले स्टोर बाय द नेम ऑफ शैलीज केमिस्ट्री. तो आप इसको भी, शैलीज केमिस्ट्री को गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप इसको डाउनलोड करो. यहाँ पे अभी एक हॉट एंड ट्रेंडिंग कोर्स जो चला हुआ है दैट इज नीट का कोर्स, नीट का क्रैश कोर्स चला हुआ है. दिस इज लाइव क्लासेस, राइट? और सेकंड जो इस पे चला है, आई एम पुटिंग डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, DPP, 5 questions एवरी डे फॉर नीट एंड IIT. सो यू कैन गो एंड एनरोल फॉर दिस कोर्स. आप DPP डेली कर सकते हो. t.me पे नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी, विच क्लासेस आर कमिंग अप, लाइव सेशंस कौन से होने वाले हैं. सो जस्ट गो टू द ग्रुप, ज्वाइन द ग्रुप, डाउनलोड द ऐप शैलीज केमिस्ट्री फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर. उस पे DPP करो. नीट का क्रैश कोर्स इज अ हॉट हॉट कोर्स विच इज गोइंग ऑन ओवर हियर. यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स एज वेल. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स है, उसपे क्वेश्चन बैंक है, तो आप क्वेश्चंस कर सकते हो सॉल्व. सो जस्ट गो एंड सर्वे द इंटायर ऐप एंड डाउनलोड द ऐप, और अपना फीडबैक भी दो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके अलावा आपको उस पर क्या क्या चाहिए दैट ऑल्सो यू टेल मी. ओके, नाउ द रेशियो ऑफ, क्वेश्चन पे चले. रेशियो ऑफ सेकेंड फोर्थ एंड सिक्स ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इज वॉट? सो रेशियो ऑफ रेडियस आपने करना है. R1 क्या हो गया? a0 into n2. a0 तो कॉमन ही हो जाएगा. सो फॉर द सेकेंड ऑर्बिट इट इज गोइंग टू बी 4, 2 का स्क्वायर. सेकेंड a0 into 16, 4 का स्क्वायर, बिकॉज सेकेंड ऑर्बिट आपको 4 दिया हुआ है. देन आर थर्ड रेडियस दैट इज a0 into 36, 6 का स्क्वायर विच इज 36. सो रेशियो फाइंड कर लेते हैं. 1:4:9, विच इज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. सो ये आपका आंसर आ गया. बड़ी मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इफ यू थिंक ऑफ इट, नीट में और IIT में आपको बहुत मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आते हैं. पर हाँ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस करके ही आप अपनी थ्योरी की एप्लीकेबिलिटी को टेस्ट कर सकते हो, और कितना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है उसको आप टेस्ट कर सकते हो.
सो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज द रीजन मैंने डीपीपीज डाली हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो मैंने डाली हैं ऑन द ऐप, वो आपको हेल्प करेगी कि एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस यू हैव टू डू एवरीथिंग एवरी डे. ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, यू विल ओनली टेक 6 to 7 minutes टू डू इट, बट दैट विल बिकम योर हैबिट. ओके, नाउ विच पॉइंट डज नॉट पर्टेन टू बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम? एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2y. ये तो अच्छा सिंपल ही हो गया, क्योंकि एम वी आर तो एन एच अपॉन 2π आ गया. द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सर्क्युलर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू वर्ड्स न्यूक्लियस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, द एनर्जी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस कंटिन्यूसली. सो विच पॉइंट डज नॉट पर्टेन टू द बोहर्स मॉडल? ओ नॉट ए, इट इज गोइंग टू बी डी. A is correct. The correct option over here, that is going to be what? That is going to be D. This is correct. Okay? Energy changes continuously nahi hote. Energy changes sirf honge agar electron move karega from one energy shell to the other. To iski energy E1 ho gayi na? Aur iski energy ho gayi E2. तो आपको पता है आप डेल्टा ई फाइंड कर सकते हो, विच इज इक्वल टू E2 - E1, राइट? ओके, लेट्स सी, डू वी हैव अनदर क्वेश्चन? यस वी हैव. अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फिफ्थ ऑर्बिट. बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है. एम वी आर दैट इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2π. एन की वैल्यू क्या है आपके पास? 5 दे रखी है उन्होंने, 5H/2π, 2.5. सो आंसर क्या आ जाएगा? 2.5H/π, दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर. ओके, सो वी हैव 10, वी हैव टेकन 10 क्वेश्चंस ओवर हियर इन दिस. द नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस दे आर गोइंग टू कम सून, राइट? सो आप क्या करो, जस्ट बी ट्यून्ड. YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ऐप को डाउनलोड करो, राइट? बाय, आई विल सी यू अगेन.